नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में पूर्व राज घराने के वंशज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें सबसे रोचक मुकाबला जो है वो नर्मदापुरम में देखने को मिल रहा है, जहां राज परिवार की महारानी और रानी जो है वो आमने सामने है। आपको बता दें, ऐसी ही कुछ तस्वीर ओरछा राजघराने से भी दिखाई दे रही, जहां पर ओरछा राजघराने की बहू इस बार चुनावी मैदान में दिखाई देंगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से लगी महाराजपुर पंचायत से आपको बता दें कि अर्चना सिंह सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं। अर्चना सिंह जो हैं वो ओरछा राजघराने की सदस्य हैं और पूर्व मंत्री रहे ज्ञानेंद्र सिंह जूदेव की बहू हैं। आपको बता दें कि उनके सामने 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं जूदेव सिंह 1972 तक टीकमगढ़ से विधायक और तत्कालीन प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और वे करीब 50 साल पहले चुनाव लड़े थे। अब इतने लंबे अंतराल के बाद राजघराने से कोई चुनावी मैदान में, वो भी सरपंच के चुनाव में उतरा है। तो देखना होगा कि आखिर इस जो पंचायत है इसका रिजल्ट क्या रहता है। वहीं अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां से रानी और महारानी दोनों ही पंचायत चुनाव के मैदान में उतर गई हैं और आमने सामने, और तो और ये एक ही राजघराने से ताल्लुक भी रखती हैं। आपको बता दें कि नर्मदापुरम के फतेहपुर स्टेट नदीपुरा बनखेड़ी आदिवासी राजघराने की बहू और बेटी भी चुनाव में नजर आ रही हैं। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी योजना गंधा, जो कि रानी उस वक्त कही जाती थी, वो वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। उनके सामने खेम कुमारी जो है वो चुनावी मैदान में है, जो योजना गंधा की रिश्ते में काकी सास यानी कि महारानी लगती है। वहीं आपको बता दें कि खेम कुमारी सिंह बनखेड़ी से मंडी अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं इस राजघराने की बेटी जागृति सिंह जूदेव उमरधा ग्राम पंचायत से निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि कई अमेरिका रिटर्न जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे, कोई MBA है, किसी की उम्र बहुत कम है। और अब पंचायत चुनाव की एक और तस्वीर हमें नज़र आ रही है, जहां पर राजघराने से भी जो वंशज है राजघराने के, वो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। कोई सरपंच का चुनाव लड़ रहा है तो कोई जो है सदस्य का, जो पंचायत सदस्य होते हैं उनका चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कई पंचायतें समरस पंचायत बनकर भी उभरी है, लेकिन अब ये जो राजघराने के वंशजों का जो रिजल्ट होगा, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या जनता राजघराने के वंशजों को इस बार पंचायत चुनाव में जीत दिलाती है या नहीं दिलाती है। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।